25 तारीख को लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच में एक स्थानीय आयुर्वेद चिकित्सिका हैं श्रीमती डेजी जायसवाल, ये हॉस्पिटल रोड अवस्थित इनके हस्बैंड का नंदी प्रभा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ से ये रीगा अवस्थित अपने क्लिनिक के लिए जा रही थी। इस बीच में इनकी गाड़ी गायब हो जाने की सूचना मिली और ये हम लोग अपने स्रोत से सूचना मिली और उसमें इनिशियल क्लू केवल इतना था कि इनके गाड़ी का नंबर और मारुति रीज गाड़ी है, ये हम लोग को सूचना थी। इसमें सत्यापन के लिए जब कार्रवाई प्रारंभ की गई तो ये पता चला कि ये गाड़ी वर्तमान में इसका लोकेशन मधुबनी दरभंगा वाले रूट में है, तो इसमें तत्काल जो हमारे ASP कुपरी हैं उनको और SHO कुपरी और उनकी टीम को वहाँ भेजा गया था सत्यापन के लिए, और इसके साथ साथ मधुबनी और दरभंगा दोनों जिला पुलिस से मदद मांगी गई। इसमें मधुबनी SP के द्वारा जो वहाँ पे गठित टीम थी जिसमें बेनी पट्टी के उनके SDPO और वहाँ के SHO थे और हम लोग की भी टीम लगी हुई थी और उन लोगों के द्वारा जो उस इलाके में नॉर्मल घेराबंदी की गई थी उसी क्रम में उन लोगों के द्वारा इस गाड़ी को और अफ्रीका के साथ में रिकवर किया गया। वहाँ से इनका ड्राइवर और एक और अपराधकर्मी है धीरज, वो पकड़ा गया। उसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई और सारी बात आई तो ये जानकारी हुई कि खैरवा पेट्रोल पंप के आगे से इनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रोक कर और उसमें वो लोग सवार हो गए थे, फिर इनको लगातार वो लोग गाड़ी में ही मूव करते रहे और इनके मोबाइल से ही इनके जो पति हैं वो भी डॉक्टर हैं उनसे बात कर रहे थे और शुरू में इन लोगों ने 20 लाख रुपए की मांग की कि तब छोड़ेंगे, फिर बाद में निगोशिएट होते होते काफ़ी कुछ कम हुआ था, लेकिन इस बीच में ही ये पुलिस कार्रवाई में ये लोग पकड़े गए। तो बाकी जो बचे हुए इनके सहकर्मी थे अपराधी के वे वहाँ से पैदल ही भाग गए और इनकी बरामदगी हुई है, इनकी गाड़ी की भी बरामदगी हो गई है और इसमें जो पूछताछ हुई है उससे पूरे गैंग के बारे में भी जानकारी मिल गई है जिनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम कार्य कर रही है और जल्दी ही उन लोगों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ड्राइवर था वो पिछले 1 साल से इनके साथ काम कर रहा था और उसने ही अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर पूरे इस घटना को प्लान किया, तो चूँकि वो इनके सारे एक्टिविटी को जान रहा था और इस कारण से ही इतने भीड़ भाड़े और दिन के समय में जब गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया तो कोई विरोध नहीं किया बल्कि वो सहयोग करते हुए और इनको फिर ले जाने में उन लोगों का मदद किया है। तो अभी उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम कार्य कर रही है।